हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे बैठी हूँ तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों ऐसे बैठे हैं। मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और सिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है, और धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी कि आपको किस किस बीमारी में ये करते जाना है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देख के अगर आप प्राणायाम अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा प्राणायाम करना है? आपको भस्त्रिका करना है, जिसको कैसे किया जाता है ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो भस्त्रिका में या कोई भी प्राणायाम, आपको आँखें बंद करनी है ऐसे, फिर आपको पूरा सांस अंदर खींचना है। देखिए कैसे, आपको सारा सांस अंदर खींचना है और सारा खींच करके धीरे धीरे छोड़ना है। ये प्राणायाम आपको 2 मिनट करना है। सबसे शुरू में जब भी आप प्राणायाम करने बैठते हैं तो आपको भस्त्रिका से शुरू करना है। 2 मिनट करने के बाद जब आपके 5, 6, 7, 8 राउंड हो जाए तो आप रुक जाइए। कुछ सेकंड के लिए आप अपनी सांस को नॉर्मल होने दीजिए। फिर आपको आसन में कैसे बैठना है, ये उंगलियाँ कैसे करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों के ऊपर और अंगूठा मिला के, इन बीच की 2 उंगली पकड़ लीजिए और इससे अंगूठा मिला लीजिए। इससे करने से क्या होता है, जो आपके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं। तो ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाली मुद्रा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते तो एक वायु मुद्रा होती है, ऐसे कर सकते हैं। और जिसकी वायु बिगड़ी हुई होती है, जिसके गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसे भी कर सकता है। देखिए ऐसे, ये जो उंगली है इसको यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर ऐसे। तो जिसकी वायु बिगड़ी हुई होती है उसको करना होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये वायु मुद्रा है, और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लीजिए। हाथों को आपको अपने घुटने पर रखना है। जब हमारी सांसें नॉर्मल हो जाती हैं आंखें बंद करे करे ही, फिर आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। इसको कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी सांस आपके अंदर होता है आपको झटके से बाहर छोड़ना है। झटके से अंदर नहीं लेना होता है। कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं कि झटके से अंदर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं झटके से सांस को बाहर छोड़ना। देखिए कैसे, आपका पेट अंदर जाना चाहिए, मैं आपको बता देती हूं। देखिए फ्रेंड, जब भी आप करें ये कंधे आपके उचकने नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे ये सही प्रोसीजर नहीं होता है। जिनके कंधे ऊपर उठ रहे हैं कुछ है तो समझ लीजिए कि आप गलती कर रहे हैं। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं आपको नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं करना है। अच्छे से पहले देखना है कि वीडियो में आपको कैसे बताया जा रहा है। गलत कभी भी नहीं करना है, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी तरह देख के, जब आपको पता चल जाए कि ये करना है, जल्दीबाजी में नहीं करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं जल्दीबाजी, ऐसे नहीं करना है। ऐसे आप अपनी हेल्थ सुधारने की बजाय बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है। और जिनको खासकर बीपी की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम है, उनको धीरे धीरे करना है। तो देखिए कैसे करना है आपको, जो बीपी वाले होते हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको कैसे शुरुआत करनी है और लगातार कैसे करते जाना है ऐसे। ऐसे आपको करना है। और जो नॉर्मल है, जिनको किसी चीज़ की बीमारी नहीं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ऐसे।
ऐसे करना है। मैंने आपको बताया था कि थायराइड के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी प्राणायाम है ये, थायराइड की बीमारी में आपको जरूर करना चाहिए कपालभाति। लेकिन किनको नहीं करना है, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है या फिर इनका ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, चाहे वो चेस्ट की हो या फिर पेट की हो, और जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, तो अल्सर वालों को बहुत ज्यादा धीरे धीरे करना है। अल्सर भी इससे ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है, आपको जलन होती है पेट में या कुछ भी आप गलत कर रहे हैं, तो उसको वहीं पे रोक दीजिए, पहले उस चीज की अच्छी जानकारी लीजिए, फिर आपको ये करना है। थायराइड वालों को तो पक्का करना है, अगर उनको अपना थायराइड जड़ से खत्म करना है। कितना करना है, शुरू शुरू में आपको 5 मिनट करना है, जब तक आप नहीं सीख पाते हैं फिर 10 मिनट, 15 मिनट तो आपको मिनिमम करना ही है। तो फ्रेंड्स 15 मिनट तो बहुत हो जाता है, इससे ज्यादा लोगों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन जिनको कैंसर आदि की प्रॉब्लम है या कोई घातक बीमारी है और वो प्राणायाम कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, तो उनको आधा आधा घंटा या एक एक घंटे तक कपालभाति कराया जाता है, धीरे धीरे कराया जाता है। और जिनको दिल की बीमारी है या हार्ट के पेशेंट है, उनको जरूर करना चाहिए, लेकिन करना धीरे धीरे है, जल्दीबाजी में नहीं करना है, धीरे धीरे करना है और रेगुलर करना है। तो ये कपालभाति हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आपको ऐसे ही करना है, मुद्रा आपको चाहे ऐसे लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए, आपकी मर्जी है, तो मैं ऐसे लगाती हूँ। अगर आपने ऐसे मुद्रा लगाई है दोनों उंगलियों की, तो आपको कैसे करना है, एक नाक से सांस भरना है, दूसरी से छोड़ना है, तो देखिए कैसे। आपको समझ आ गया आपको कैसे करना है। और इसमें एक सावधानी रखनी है, जितने टाइम आप कपालभाति करते हो उतने टाइम आपको अनुलोम विलोम जरूर करना है, कभी भी कपालभाति अकेले नहीं करना है, उसके साथ भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जरूर करना है। जब भी हम कपालभाति करते हैं तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम अकेले कपालभाति करेंगे तो वो गर्मी ज़्यादा बढ़ सकती है या गर्मी वाली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके साथ उतने ही टाइम आप अनुलोम विलोम करिए। जैसे आप 5 मिनट, अगर आप 5 मिनट अगर आपने कपालभाति किया तो 5 मिनट ही अनुलोम विलोम करना है, अगर 10 मिनट कपालभाति करते हैं तो 10 मिनट अनुलोम विलोम करिए, तो आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है। फिर मैंने थायराइड के लिए आपको उज्जायी प्राणायाम बताया था, तो उज्जायी प्राणायाम आप देखते हैं वो कैसे करते हैं। उज्जायी प्राणायाम गले को थोड़ा टाइट करके सांस भरना है और उससे जो आवाज़ निकलती है वैसी आवाज़ निकालनी है। देखिए जैसे मैं करती हूँ, ये उज्जायी प्राणायाम आपको ये 4-5 बार करना है। अगर आप शुरुआत में करते तो 4-5 बार करिए, नहीं हो रहा है तो 2-3 बार करिए, पहले शुरू में पहले देखिए कि कैसे करना है, फिर कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से जरूर आ जाएगा। पहले 4-5 बार करिए, फिर जब आपको अच्छे से आ जाता है तो 15-20 बार कर सकते हैं। ये उज्जायी प्राणायाम थायराइड वालों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, और गले के और भी कई रोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। जिनको थायराइड है उनको ये प्राणायाम उज्जायी, इसका नाम है उज्जायी प्राणायाम, जरूर करना चाहिए। कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही है, और उज्जायी भी थायराइड वालों को अवश्य करना चाहिए। फिर बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी आपको कैसे करना है, भ्रामरी में ज्यादा आप कुछ नहीं करना है, खाली आपको ऐसे अपनी आंखें बंद करनी है, कान ऐसे बंद कर लेने हैं, सांस भरना है,
पांच बार आपको मुंह बंद करके भंवरे की आवाज निकालनी है, और पांच बार आपको ऐसे ही कान बंद करके और मुंह खोल के जैसे मैं करती हूँ ऐसे आपको ओम की आवाज निकालनी है, जैसे कि जब भी आप प्राणायाम खत्म कर ले और अपनी आंखें खोले तो हमेशा हाथों को रगड़ के ऐसे अपनी आंखों पे लगाना है। कभी भी आपको बिना हाथ लगाए आंख नहीं खोलनी है एकदम से। और फ्रेंड्स, ये चार पांच प्राणायाम ऐसे होते हैं जो सभी को करने चाहिए, सभी के लिए लाभदायक हैं और लगभग सभी बीमारियों में लाभदायक होते हैं। बस जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कपालभाति नहीं करना होता, अनुलोम विलोम वे धीरे धीरे कर सकती हैं। जो मैंने लास्ट में बताया है आपको भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें भंवरे जैसी आवाज निकलती है, जिनका बीपी ज्यादा लो रहता है, जिनको लो बीपी की समस्या है वो ना करें। कुछ सावधानी है, एक तो आपको खुले वातावरण में करना है, जहां भी करें बंद कमरे में आपको प्राणायाम नहीं करना है। आप सुबह के समय करिए, सुबह के समय फ्रेश हवा रहती है, ताजी हवा होती है, तब आप करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। गर्मियों में आप अगर दोपहर के वक्त या शाम के वक्त करते हैं तो उस समय गर्म हवा रहती है, तो उस समय आपको कम करना चाहिए और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे आप कर सकते हैं शाम के समय, जब थोड़ा ठंडा मौसम होता है, गर्मियों में भी कर सकते हैं शाम के समय, और सुबह तो सबसे ही अच्छा होता है। और तीसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि जब भी आप प्राणायाम करें तो आपको आसन जरूर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आसन बिछाया हुआ है, तो आसन आपको कौन सा लेना है, आपको ऊनी वस्त्र का आसन लेना है या फिर प्लास्टिक की कोई सीट हो आपके पास वो ले लीजिए, जो धरती से आपका कनेक्शन कट कर दे, क्योंकि धरती के साथ आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए जब भी आप प्राणायाम करते हैं, नहीं तो आपको पूरा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए धरती पर ऐसे ही मत बैठे, आपको आसन लगाना जरूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो आपने जल्दी से सीख लिया है और आपको अच्छे से आ गया है तो इसके लिए कमेंट जरूर करिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।